अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फजर की नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दिल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोग भी फजर की नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका सीख सकें। दोस्तों, ये नमाज कुल 4 रकत नमाज होती है, 2 रकात सुन्नत और 2 फ़र्ज नमाज। सबसे पहले 2 रकात सुन्नत का तरीका देख लेते हैं। नियत इस तरह से करेंगे, नियत की मैंने 2 रकत नमाज फजर वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबाई शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। इसके बाद आप सना पढ़ें, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका तबारक इस्मुका तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद आपको एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है और कोई भी एक सूरत जो आपको याद हो पढ़ लें। अल्लाह अकबर के साथ आप रुकू में जाएं, रुकू में 3 मरतबा सुभान रब्बी अल अज़ीम पढ़ें। इसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर आप रुकू से खड़े हो जाएं, फिर अल्लाह अकबर कहकर आप सजदे में जाएं, सजदे में आपको 3 मरतबा सुभान रब्बी अल आला पढ़ना है, फिर आप अल्लाह अकबर के साथ सजदे से उठ जाएं, फिर अल्लाह अकबर के साथ आप दूसरे सजदे में जाएं, दूसरे सजदे में आपको 3 मरतबा सुभान रब्बी अल आला पढ़ना है, फिर अल्लाह अकबर के साथ दूसरे रकात के लिए खड़े हो जाना है। दूसरे रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है, एक बार आपको सूरह फातिहा पढ़ना है और कोई भी एक सूरत जो पढ़ लें आपको याद हो। इसके बाद आप दूसरे रकात के रुकू और सजदे मुकम्मल करके कायदे में बैठ जाएं। कायदे में बैठकर आपको एक बार अतियात पढ़ना है, एक बार दरूद इब्राहिम पढ़ना है, एक बार दुआए माशूरा पढ़कर आप सलाम फेर कर अपनी नमाज को मुकम्मल कर लीजिए। ये हो गई आपकी 2 रकात नमाज सुन्नत। अब आप नियत करेंगे 2 रकात नमाज फ़र्ज पढ़ने की। नियत इस तरह से करेंगे, नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़र्ज वक्त फजर का वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। इसके बाद आप सना पढ़ें, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ें, एक बार सूरह फातिहा पढ़ें, एक बार कोई भी एक सूरत जो आपको याद हो पढ़ लें, रुकू और सजदे मुकम्मल करें। इसके बाद आप अल्लाह अकबर के साथ दूसरे रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात पहली रकात की तरह ही पढ़नी है, इसमें सना नहीं पढ़नी है, एक बार सूरह फातिहा पढ़नी है, एक बार कोई भी सूरत जो आपको याद हो पढ़ लें, रुकू और सजदे मुकम्मल करके आप कायदे में बैठ जाइए। कायदे में बैठकर आप एक बार अतियात पढ़ें, एक बार दरूद इब्राहिम पढ़ें, एक बार दुआएं माशूरा पढ़कर सलाम फेर कर आप अपनी नमाज को मुकम्मल कर लीजिए। ये हो गई आपकी 2 रकात फजर की फ़र्ज नमाज। तो दोस्तों, इसमें 4 रकात नमाज पढ़ी जाती है, 2 सुन्नत और 2 फ़र्ज नमाज। इसके बाद अल्लाह पाक की बारगाह में हाथ उठाकर दुआएं करें, इंशाल्लाह ताला आपकी दुआएं ज़रूर कबूल होगी।